सो है गाइस इट्स मी। अरे भाई पहले हेलमेट तो उतार ले। हाँ बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे साल। मतलब एक्साइटमेंट देख रहे हो लड़के की। सो है गाइस इट्स मी दीपक हंटरसन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बात कुछ ऐसा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं घर पे ही बैठा हुआ था। एंड अगर इस लॉकडाउन पीरियड में आपको बाहर निकलने को मिल जाए काफ़ी लंबे टाइम के बाद, एंड भाई जो फीलिंग होता है ना नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो काफ़ी टाइम हो गया था घर पे बैठे बैठे, थोड़ा बोर हो रहा था। एंड घर में भी बोला गया कि थोड़ा कुछ काम है वो करके आओ, थोड़ा लेके आओ ये सब, और मेरा भी कुछ काम था पर्सनल। तो भाई चलो अभी इसी बहाने थोड़ा अगर निकलने को मिल रहा है तो भाई क्या दिक्कत है, निकलते हैं ना अभी, इंजॉय करते हैं। एंड हाँ, और एक बात, कल रात को हमारे इधर बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद जो सुबह का व्यू होता मतलब नेक्स्ट लेवल बॉस। आप देख सकते हैं ग्रीनरी देख रहे हैं, मतलब इस लॉकडाउन में कितना अच्छा हो रहा है देखने को। ये सब व्यू कहाँ मिलता था पहले देखने को। तो अभी जो भी हो अभी चलते हैं, जो भी कुछ होता है, जैसा भी माहौल रहता है, जो भी कुछ होता है सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो वीडियो पर बने रहे। एंड हाँ, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो बकबक नहीं करते, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बुरा क्या हो पता है, अभी उधर से आ रहे थे एंड बीच रास्ते में कोई गोबर पड़ा हुआ था, देखे रहे थोड़ा स्पीड में थे, बट अभी दिखाते हैं आपको क्या हाल हो चुका मेरा। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। सो अभी देखते हैं आगे में, कहीं अगर कुछ मिलता है तो उसको साफ किया जाएगा, वरना ऐसे तो यार थोड़ा कोर्ट से लग रहा है। चलो अभी देखते जो भी होता है। तो फाइनली 2-2.5 महीने बाद फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है फील। बट इधर यार कुछ सोशल डिस्टेंस का तो कुछ दिख ही नहीं रहा सब, तो पता ही नहीं चल रहा इधर, मतलब आराम से नॉर्मल लाइफ जैसा पहले जिया करता था सब वही कर रहा है, पता नहीं क्या है यार। तो अभी लगभग कुछ कुछ दुकानें खोल रही है सुबह सुबह की, इनमें से आप देख रहे हैं ये कुछ फल दुकानें हैं, पता नहीं मे भी वो अपने जगह सही है, क्योंकि जो रोज़ का कमा के खाते थे वो लोग क्या करें, इतने दिन का सेविंग जो भी था ख़त्म हो चुका था, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो जांच नहीं है। तो जो भी है अभी देखते हैं, कुछ सामान लेना जाते हैं उधर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हाँ यार, और एक चीज़ आपको दिखाना था, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाइफ लाइन हॉस्पिटल, उसके नीचे ये शराब दुकान, आई डोंट नो ये क्या लॉजिक है, और जो भी आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी चलते हैं राशन की दुकान में, कुछ लेना है तो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके ओके, सो अपना जो भी राशन था वो ले चुके हैं, एंड अभी देखते हैं और भी कुछ अगर लेना पड़े तो वो लेते हैं, बाकी निकलते हैं घर के। पता नहीं यार ये टेम्पू का क्या लॉजिक है, ऑटो वाले ऐसा तो कोई अलाव है नहीं कि अभी ऑटो चलाया जाए, बट एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि है ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो, ये सीधे आपको कोलकाता पहुंचाएगी। एंड ये जो आप मेरे आगे देख रही है रास्ता आपको सीधे दिल्ली तक ले जाएगी। तो चलते हैं अपना पेट्रोल भराने गाड़ी में, फिर मिलते हैं आपसे। ओके सो अपना जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी चलते हैं घर की ओर। एंड हाँ एक सलाह है, फालतू अगर कुछ ज़्यादा काम हो तभी आप घर से निकला करो, ऐसे फालतू का पटेलीगिरी नहीं करने का, क्योंकि बिना काम का फालतू का पटेलीगिरी इधर उधर घूमने का कुछ फ़ायदा है नहीं, आपका ही नुकसान है। तो जितना आप सेफ हो सको आप सेफ रहो, ताकि आपके वजह से कोई और दूसरा भी सेफ हो, ज़्यादा फालतूगिरी नहीं करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके देना, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को
रेस्ट कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट।